रुकता नहीं है बंदा। हाँ जी सर। काली माता की जय। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो भाई लोग आज हम जा रहे हैं मंगला माता। तो आज हम हैं तनु भाई, कन्नव, संजू, ऐसी व्लॉग्स वाले अपने संजू भाई, इनका फर्स्ट व्लॉग आया है मार्केट में ताज़ा। तो देखो, चेक करो जाके। और आज हम जा रहे हैं भैया सेरी, क्योंकि जो हाईवे है उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपने देखा ही होगा पहले भी व्लॉग्स में। साथ में जो ये सेरी वाला रास्ता है थोड़ा शॉर्ट है, तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फिलहाल इंजॉय करेंगे, आज मौसम भी थोड़ा अभी तक तो थोड़ा ठीक है, गर्मी नहीं लग रही इतनी, लेकिन आज थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी है और सबके अंदर एनर्जी फुल है, आज मस्ती करेंगे एकदम। तो बस अभी निकल रहे हैं, तो बाजा भाई मिलेंगे नॉक्स भाई को। तो आप अभी रास्ते में व्यू इंजॉय करो सेरी वाला, तो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बाजा भाई में खड़े हैं जहां स्विमिंग पूल है उसके बाहर। तो यहां पे बाजा भाई में एक स्विमिंग पूल है, यहां पे गर्मियों में समर्स में लोग आते हैं नहाने धोने। तो अभी ठीक उस स्विमिंग पूल के जो है बाहर खड़े हैं हम। अपने चंद्र भाई आ गए नॉक्स वाले, ये हमें सुबह ही यहाँ आ गए थे बाजा भाई में, अभी हम मिले हैं। चंद्र भाई क्या हाल है? तो नीतीश भाई भी आ गए, तो अभी सारे भाई लोग आ गए हैं। तो आज हम बस यही जा रहे हैं पाँच बंदे, तो अभी मज़ा आने वाला है। अभी तो हम सुंदरबनी से जस्ट निकले थे, तो अपने चंद्र भाई यहाँ बाजा में वेट कर रहे थे हमारा। तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे वाया सेरी, तो आपको मिलते हैं अब रास्ते में, आप तब तक व्यू एंजॉय करो। मैं और संजू जब गए थे जम्मू अपना थोड़ा काम कराने बाइक्स का, तो भाई हम दोनों ने एग्जॉस्ट उतारे हुए थे, तो शॉक वाले लगा के फील ही नहीं आ रहा था। तो आज भाई मज़ा ही कुछ और आ रहा है, पहले थोड़ी सी धूप थी लेकिन अब थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है, तो मज़ा आ रहा है राइड का यार। तो अभी भाई यहाँ रुके हैं हम, थोड़ा चिल करेंगे, जब भी आओ रुकने का मन करता है ब्रिज के ऊपर। रुचि हूँ संजू हमारा व्लॉग बना रहा है अब, तो भाई इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो सारे। अमित भाई का फ़ोन आया, बंज राइडर वाले जो हमारे साथ लास्ट अखनूर राइड पे भी गए थे, तो उनका फ़ोन आया, वो भी पीछे अभी आ रहे हैं, तो वो लेट हो गए थे, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो हम धीरे धीरे चलेंगे आगे। संजू भाई हमारे केले खरीद के ले आए हैं, वो देखो भाई, जो हमारे DSP साहब हैं उनका पूरा जिम्मा संजू ने लिया हुआ है, केले खिला रहे हैं सबको। तो भाई अमित भाई नहीं आए, अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं सेरी, यहाँ से सेरी एंटर हो रहा है। हाँ जी, रुकता नहीं है बंदा, इस पे कितना ही पकड़ूंगा। कौन है भाई? तू कब आया यार? मैं पीछे तो ये अंदर कहाँ गई तेरी यार? तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी। अच्छा, चलो आओ फिर, सरप्राइज दे दिया उन्हें। आ जा शारा पहुंच गए हैं अभी। तो दो रास्ते जाते थे, एक पीछे से रास्ता जाता था, एक आगे से जाता है, तो पीछे वाले रास्ते से हम गए नहीं हैं, अब हम मार्केट के बीच से जाएंगे। तो सारे भाई लोग पहुंच चुके हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक दो और तीन, ये चला जाता है किला दराल और वीर भद्रेश्वर का। तो अभी ये सेकंड वाला है, ये है मंगला माता। तो बस अभी भाई लोग पीछे रह गए कुछ, उनका वेट कर रहे हैं, तो बस संजू आगे खड़े हैं, यहाँ से हम चले जाएँगे मंगला माता सीधा। चंद्र की बाइक का गियर अटक गया था, तो अब ठीक करवाया क्या? डाउन करेंगे फिर अप करेंगे, फिर बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। हैशटैग इस पर चंद्र का नुकसान। तो भाई लोग आ गए, हम निकल रहे हैं हम आगे। हाँ जी सर, मंगला माता जा रहे हैं। भवानी में पुलिस पोस्ट थी, तो उन्होंने हमें रोका अभी जस्ट, तो बस मास्क वगैरह के लिए पूछा उन्होंने, तो मास्क अपने पहने हुए थे। तो पहुंच चुके हैं मंगला माता। तो भाई ये यहाँ से लेना है लेफ्ट, ये बना हुआ है एंट्रेंस गेट, JK टूरिज्म वे टू टेंपल मंगला माता।
चलो भाई संजू, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, बाकी तरुण भाई भी आ रहे हैं, सारे आ गए हैं। और लोकेशन वाइज देखा जाए ना तो एकदम शांति है इधर इस इलाके में, और साथ में बॉर्डर के पास है। और देखिए भाई व्यू देखो क्या नज़ारा है भाई, गर्मियों में बेस्ट जगह है यहाँ आने का, है ना। एकदम मतलब पेड़ों के आसपास ठंडी हवा और फैमिली पिकनिक और आउटिंग के लिए बेस्ट है। एक तो मंदिर के मंदिर दर्शन के दर्शन हो जाते हैं, साथ में आउटिंग के लिए बेस्ट प्लेस है अपने नियर बाय सुंदरबनी के। माता राणा का प्राचीन मंदिर है, ये गुफा है, मंदिर नहीं, किसी ने बनाया नहीं है, ये प्राचीन पहले से ही गुफा बनी है। अम्बाई मंगला इसका नाम है, भवानी इसी के नाम से, नीचे ऊपर जो भवानी है माता के नाम से ही नाम रखा गया है इसका। अच्छा अच्छा। तो 47 से पहले ये जो एक चित्रकार पड़ी यहाँ सामने पड़ी है, त्रिशूल जिसके सामने है, ये एक बार किसी ने पत्थर काटने वाले ने, बकरियों वाले ने नीचे फेंकी थी और ये टूट गई, थोड़ी सी टूट गई। अच्छा अच्छा। और उसका कमर टूट गया था। ठीक है। हाँ, किसी दरख्त पर चढ़ा तो उसका कमर टूट गया, उसने बोला मुझसे गलती होगी, माता के दरबार में मैं वहाँ गया हूँ माई मंगला, वहाँ से एक चित्रकार पड़ी थी, एक दीवा था, मैंने नीचे फेंकी और वो टूट गई, थोड़ी टूटी, मैं बचता नहीं हूँ, जाओ उसको ऊपर रखो। फिर आए यहाँ, इसको ऊपर रखा तो फिर माता रानी का यहाँ एक बहुत बड़ा भंडारा किया गया। भंडारा करने के बाद फिर माता रानी के सब आने जाने लगे। यहाँ जितने भी तकरीबन बॉर्डर भी तकरीबन नज़दीक है, 5-10 किलोमीटर है, कभी भी शैलिंग वगैरह हुई है तो कभी यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही आर्मी का हुआ है, ना ही इधर को हुआ है। जो अगर आती भी है शैलिंग कोई तो फटती नहीं है, माता रानी की इतनी शक्ति है। तो और अब तो बड़े बड़े दूर से आर्मी वाले भी थोड़ा बहुत यहाँ योगदान अपना करते हैं। ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छी कमेटी है जो यहाँ आर्मी के रिटायर लोग जो इस कमेटी के साथ हैं, बाकायदा यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। शेर की ये गुफा है, ये सब ये पहले शेर की गुफा है, ऊपर यहाँ पंजा लगा है, ऐसे ऐसे पंजा लगा है। अच्छा। ये पिंडी है, जल धारा हो रही है, ये देखो थाली में उनमें से आता है जल, इस कड़वे में डालते हैं, गंगा जल भी डालते हैं और दिन को चरणामत चलती है। पंडित जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने तो देखा ही होगा, तो काफ़ी मानी हुई जगह है मंगला माता। नीचे हॉल पे यहाँ पे जहाँ पे लंगर कराया जाता है, तो यहाँ पे पूरी कमेटी है आई हुई, अपने जो मंदिर का चढ़ावा है कलेक्शन है वो काउंट कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे ग्रुप को भी बोला है कि आके काउंट करो, तो भाई लोग लगे हुए हैं काउंटिंग में, उनकी हेल्प कर रहे हैं। काउंटिंग की, नोट्स की, और बंडल बना के दिए उनको। अब पंडित जी बोल रहे हैं कि जो लंगर है वो आप शुरू करो, हम हमारा ग्रुप जो है वो लंगर शुरू करने वाले हैं, तो हम अपना खाना भी लेके आए हैं और लंगर का प्रसाद है वो भी हम लेंगे, तो बस अभी लंगर करेंगे बैठ के। बस अभी सारे आ गए हैं, तो बस अभी लंगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको लंगर में। लंगर हम दोनों लंगर हैं, इसलिए हमें ये दोनों लंगर हैं, लेकिन इधर ब्राह्मण शुरू करेगा लंगर। और कमेंट पे बताना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं तरुण भाई? लैक्मे की लिपस्टिक।
तो अभी हम जा रहे हैं मंगला माता के जो ऊपर एक गुफा है वहाँ पे, तो काफी मजा आ रहा है यार। वैसे ना सही बता, मजा बहुत आ रहा है यार। लोग यहाँ पे जितनी भी कमेटी है बड़ी स्वीट है यार, बड़े अच्छे से उन्होंने हमें लंगर खिलाया और जो सेवा की। भाई ने जो पिंक कलर का दही खिलाया ना, वो सुबह ही पता चलेगा, सुबह ही पता चलेगा। तो बस इतना ही था मंगला माता में, तो अभी बस वापस आ रहे हैं घूम के नीचे मेन टेंपल में, तो नीचे मिलते हैं आपको। ये सीनियर टीचर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिजिकल, ये हलदार जी आर्मी से रिटायर हैं, ये हमारे जाट सभा के चौधरी कुशाल चंद जी हैं, जाट सभा के प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे एजुकेशन से हेडमास्टर रिटायर हैं, वो सूबेदार प्रीतम लाल जी हैं रिटायर हैं, ये सूबेदार कंबल जी हैं चौकी के हैं, ये रोशन लाल जी हैं हलदार पंजाब ग्रुप से रिटायर आर्मी से, ये कैप्टन रामलाल जी हैं जो ये हमारे सबसे सीनियर यहाँ बुजुर्ग यही है हमारे। अच्छा, और ये देखभाल पूरी हम इनके अंडर ही काम करते हैं। जय माता जी। तो ये हमारा प्राचीन मंदिर है, यहाँ सबसे पुराना नौशहरा से भी आगे 26 किलोमीटर दूर यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर है एक। तो यहाँ के जो पंडित जी है वो बताते हैं, यहाँ के शेर आता है तकरीबन हर वीरवार को यहाँ पे देखा गया है। तो ये बहुत बड़ा भव्य एक इमारत बनाई गई है, हमारी कमेटी है ये, श्री अशोक चौधरी जी प्रेसिडेंट हैं, इनकी देख रेख में पिछले 5 साल से हम इस कमेटी की इसको चला रहे हैं। तो उसके बाद हमने ये एक बिल्डिंग खड़ी की है, नई लंगर चालू किया है और भी हमारा बड़ा प्लान है अभी आगे। मैं लोगों से ये करूँगा कि यहाँ पे आए, जितने भी ज़्यादातर लोग दूर से आए, लोग डरते हैं कि आप बम गिरते हैं या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पीसफुल माहौल है, नेचुरल वातावरण है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टोटली पीसफुल एरिया ये। अशोक चौधरी हूँ, मेरे लंगर से हूँ, इस कमेटी की यहाँ देखभाल करता हूँ। ये कमेटी के सब बुजुर्ग हैं मेरे साथ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आर्मी से रिटायर हैं, कोई सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, ये मेरे साथ करते हैं। मैं यहाँ मंगला माता में हमें 3-4 साल हो गए हैं देखभाल करते, और काफ़ी हमने यहाँ की डेवलपमेंट भी किया। ये आपके सामने जो ग्रिल वगैरह है ये लगाई है, ऊपर दरबार में जाने के वाली स्टील जो है ये हम लोगों ने अभी लगवाई है थोड़ी देर पहले ही, और एक ये रूम बनवाया है जिसमें सोफा वगैरह लगाया है। मैं लोगों से अपील करूंगा, यहाँ मंदिर बहुत शक्ति वाली जगह है ये। मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको टूरिज्म में डालें, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं नौशहरा, वो तो हफ्ते में एक बार आते ही आते हैं, संडे को जाकर मंगलवार को पक्का आते हैं, और उसके बाद जितने भी यहाँ तहसीलदार हैं या ADC साहब हमारे समयाल साहब, वो बड़े मानते हैं इस चीज़ को, बड़े मानते हैं वो। तो अभी कुछ दिन पहले एक SHO साहब नए आए, वो भी यहाँ आए थे, काफ़ी लोग आते मानते हैं, और लोगों की पूरी यहाँ माता की कृपा उन पर रहती है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना टाइम निकाल के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं कमेटी का भी शुक्रिया करता हूँ जो ये लोग हमारे साथ काम करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया सबको, थैंक यू सर। लंगर 24 घंटे टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म जितने भी हैं ना, मतलब हम उनसे कुछ पेमेंट नहीं लेते हैं, ना ही रहने का ना ही खाने पीने का। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, जितनी भी हमारी कमेटी है यहाँ, ये जो ये आए हैं सुंदरबनी से, हमें बड़ी खुशी हुई, और इनको हम अपनी तरफ से एक एक कमेटी की तरफ से, मंदिर की तरफ से एक चुन्नी देंगे इनको। वापस यहाँ से हम हो गए दर्शन दुर्शन बड़े मज़े से, बड़ा एंजॉय किया भाई लोगों ने सबने।
अभी हम पहुंच चुके हैं शेरी, यहाँ से जो रास्ता जाता है वो जाता है ओल्ड ब्रिज, तो ये न्यू ब्रिज जो सुबह आए थे हम, ओल्ड ब्रिज यहाँ से अभी देखते हैं। थोड़ा सा रास्ता खराब है, नया वाला तो बहुत प्यारा मक्खन रोड है, ये पुराने वाला रास्ता है जो देखते हैं। तो भाई ये पुराना ब्रिज है, ये रास्ता तो बंद हो चुका है क्योंकि जब से नया ब्रिज बना है तो यहाँ से कोई आता जाता नहीं है। ओ भाई साहब रास्ता देखो, रास्ता भी बंद था। तो फाइनली हम वापस आ गए हैं, अभी हम हैं भाजा भाई में कांगड़ी के थोड़े पास, नीतीश भाई का घर है यहाँ पे। तो बस अभी यहाँ से नीतीश भाई का अलविदा कर रहे हैं और आप लोगों को भी, क्योंकि इस ब्लॉग को हम यही एंड कर रहे हैं, बैटरी गोप्रो की डेड होने वाली है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।